अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर शैनदीन टीवी में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर लाया हूं। इसमें मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। तो इन सबसे पहले नए वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, HEC ने कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल अपना जो प्रोग्राम है कोई भी है उसको ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा 2018 के बाद जो भी 2 साल आप डिग्रीज हैं उनको हम काबिल कबूल नहीं समझेंगे या हम उनको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन रिसेंटली फ्राइडे के दिन HSE जो है उसने जो है अपनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री 2022 तक के लिए वैलिड करा दे दिया है कि 2022 तक कोई भी आपकी बैचलर या मास्टर की डिग्री है वो 2022 तक वो कबूल करेंगे। उन्होंने कहा है कि अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में HSE ने कहा है कि स्टूडेंट जो हैं वो 2 साल प्रोग्राम में कोई भी है मास्टर का या बैचलर का वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि BA, BSc, MA, MSc इन डिग्रीज़ में इंक्लूड हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है सिर्फ नेक्स्ट 2 साल के लिए वैलिड है, मतलब 2021 से 2022 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर में जो है HEC ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि नोटिफिकेशन के मुताबिक उनके हवाले से जो भी 2 साल प्रोग्राम है कोई भी है मास्टर का या बैचलर का वो 2018 के बाद काबिल कबूल नहीं करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोग्राम है 2018 तक जो भी हैं वो सही है, लेकिन 2018 के बाद कोई भी 2 साल डिग्री है उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन रिसेंटली ही कुछ ऐसे मामलात की वजह से उन्होंने कहा है कि हम जो इसकी मुद्दत है मतलब 2022 तक कर रहे हैं, 2022 के बाद कोई जो 2 साल प्रोग्राम है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो HEC के वाइस चांसलर हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर जो है उन्होंने मतलब वहाँ भी कहा है कि स्टूडेंट जो है मतलब एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी या पिशावर में। उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट दी है कि वहाँ भी आप कर सकते हैं और ये सिर्फ 2022 तक वैलिड है, इसके बाद कोई डिग्री 2 साल 2022 के बाद वैलिड नहीं होगी। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।